अगर बॉलीवुड का कोई अभिनेता उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहा है कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड चलता है या जिस तरह से बॉलीवुड पर हाल के दिनों में लगातार हमला हो रहा है, जिसकी ताज़ा तस्वीर हमने गुजरात से देखी कि पठान के पोस्टर्स को फाड़ा गया, मॉल के अंदर तोड़फोड़ की, क्या आप जानते हैं सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से अपील की है कि ये सब बंद किया जाए, आप चाहें तो इस पर कंट्रोल हो सकता है। और मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों मीडिया ने इसकी किस तरह से कवरेज की और इसके मायने क्या है, मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले आज तक बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट बॉलीवुड पर की बात, बोले बॉयकॉट बॉलीवुड का दाग सिर्फ एक लोगों पर लगा है, वहीं उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री बनाम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर जानिए सोनू निगम ने क्या कहा। आगे देखिए साहब, योगी के सामने बॉलीवुड का सरेंडर। अरे भाई, पालतू न्यूज चैनल के पालतू न्यूज एंकर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं, एक सांवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं मानो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कोई बाहुबली कोई दबंग हैं। और क्या यह उपलब्धि हो जाएगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए कि बॉलीवुड उनसे गुहार लगा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह सब बंद करवाइए? क्या यह तमगा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कंधों पर? बिल्कुल नहीं। ये शर्म की बात है कि अगर कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसका असर बॉलीवुड की रोजी रोटी पर पड़ रहा है या भारत के सॉफ्ट पावर पर पड़ रहा है जो दुनिया में हमारी आन बान शान है, और उसके लिए अगर एक मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है तो यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए गर्व की बात नहीं है जिस तरह से न्यूज चैनल बता रहे हैं। आगे देखिए साहब, बॉयकॉट की तलवार बाबा से आस, बॉलीवुड बाबा से के द्वारे। आगे देखिए, बॉलीवुड में रॉटन एप्पल की कमी नहीं, पूरा डिबेट इस बात को लेकर था दोस्तों। योगी के मुंबई दौरे से सपा परेशान, समाजवादी पार्टी को भी ले आए यहां पर। आगे देखिए, योगी की फिल्म बॉलीवुड बोले वाह वाह, फिल्म सिटी बनेगी शानदार, माया नगरी उत्तर प्रदेश शिफ्ट होगी। अब मैं आपको सुनील शेट्टी का वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसमें वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर जो हमला हो रहा है इसे बंद करवाइए। जो अतिवादी लोग कानून को हाथ में लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर पर निशाना साध रहे हैं, दीपिका पाडुकोन का चरित्र हनन कर रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है, क्या ये गर्व की बात है? सुनिए सुनील शेट्टी ने क्या कहा था। कास्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। चाहे गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, इसको लेकर बहुत ही हर्ष में है कि देखो बॉलीवुड जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारे आके उनके सामने झुक गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री को डर का प्रतीक होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को समाज के जो अराजक तत्व हैं उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए? क्या यह गर्व की बात है? सुनील शेट्टी ने क्या कहा है दोस्तों, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू यह है, अगर आप उसे सरलता से देखें तो एक बॉलीवुड का अभिनेता एक मुख्यमंत्री से कह रहा है कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं इसे बंद कीजिए, सीधा सा इसका एक ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा यह है कि बॉलीवुड जो है या फिल्म इंडस्ट्री जो है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, वो एक तरह से गिड़गिड़ा रही है एक मुख्यमंत्री के सामने कि आपके लोग जिस तरह से बॉलीवुड पर हमला कर रहे हैं, वो लोग जो आपके कंट्रोल पे हैं उस पर लगाम लगाइए। इसमें बॉलीवुड का डर भी दिखाई देता है, इसमें यह भी दिखाई देता है कि ये जो तमाम खुराफात होती है जिसके जरिए देश की सॉफ्ट पावर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और क्यों ना हो, ये जो तमाम हैंडल्स हैं ट्विटर पर या इसके अलावा जो तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो हुड़दंग मचाते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं बताइए? किसकी सहयोगी संस्थाएं हैं?
और ऐसे में ये जो हरकतें करते हैं, क्या ये गर्व की बात है? हकीकत ये है कि आज की तारीख में बॉलीवुड पर जो निशाना साधा जा रहा है, संपूर्ण बॉलीवुड पर नहीं निशाना साधा जा रहा है। देखिए मकसद क्या है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी संस्थाओं को बॉलीवुड जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ अपनी अनेकों फिल्मों के जरिए देता रहा है, उस संस्कृति को खत्म किया जाए। बॉलीवुड ने कभी भी नफरत का प्रचार प्रसार नहीं किया दोस्तों, वो सब खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीरी फाइल्स जैसी फिल्में जिसके अंदर अधूरा सच दिखाया गया, उसी तरह की फिल्में बनाई जाएं। ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएं। मकसद यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। उन एक्टर्स पर निशाना साधा जाए जो इस सरकार की नीतियों के सामने ना झुके। नतीजा आपके सामने, शाहरुख पर जिस तरह से निशाना साधा गया, उसके बेटे को भी झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। आमिर खान की बात कर लें, आमिर खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते रहे हैं पिछले 15-20 सालों में हम सब जानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उसके जरिए आप आमिर खान पर भी निशाना साधना चाहते हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में ना कोई हिंदू मुसलमान किसी चीज का जिक्र नहीं था, मगर उसकी फिल्म आने से पहले ही बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चलाया जा रहा था। उस आमिर खान के बयान के लिए जो उन्होंने बहुत पहले दिया था, उसमें भी उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला दिया था और उसके अलावा कुछ नहीं। यह कोई बहुत गर्व की बात नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता यह कह रहे हैं कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड चलाया जा रहा है इस पर लगाम लगाइए, आप इस पर लगाम लगा सकते हैं, ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। ये ना भूलें कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर है। कई बार नफरती चिंटू ये कहते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। आज की तारीख में जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, ये जो फिल्में आती हैं इस वक्त वो बॉलीवुड से कहीं ऊंचे मुकाम पर हैं। मगर वो लोग उस फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ एक पहलू को देखते हैं, यानी बाहुबली जैसी फिल्में, ट्रिपल आर जैसी फिल्में, या वो जो KGF जैसी फिल्में। इसी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से या कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी ढेरों फिल्में सामने उभर कर आती हैं जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की आग फैलाई जा रही है ना, उसके खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हैं। अगर ये नफरती चिंटू उस साउथ से निकलने वाली उन फिल्मों को देखना शुरू कर देना, तो वो बॉलीवुड को भूल जाएंगे और फिर साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाएंगे। तो जो लोग दक्षिणी फिल्म इंडस्ट्री पे ताली बजाते हैं, मैं आपको ये बता दूं, वो लोग न सिर्फ बेहतरीन कमर्शियल फिल्में, व्यावसायिक फिल्में बनाते हैं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली, समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाले, समाज के अंदर नफरत का प्रचार प्रसार करने वालों को भी आईना दिखाने वाली फिल्में बनाते हैं जो बॉलीवुड नहीं बताता है। आप में से कई लोग कहते हैं कि भाई बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं का अपमान किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को देखते हैं तो अंडरवर्ल्ड का डॉन कौन बनता है, बताइए बताइए। कई जगहों पर कोठों का जो दलाल है वो कौन बनता है? मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आपको याद है कि नहीं, बताइए। दिलावर नाम का एक कैरेक्टर था अमजद खान का, वो एक मुसलमान था। कोठों पर जो नाचने वाली कैरेक्टर्स होती हैं वो कौन होती हैं? वो भी एक धर्म से ताल्लुकात उनका होता है। तो ये मत बोलिए कि हिंदुओं को सिर्फ बदनाम किया गया है। अक्सर हमारी फिल्में समाज का आईना होती थी, तो अगर डॉन्स को मुसलमान दिखाया गया है तो हमारे सामने कई मिसालें हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, छोटा शकील हो। अगर कुछ फिल्मों में धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हैं किसी का अपमान कर रहे हैं, तो ये सब हमारे समाज में हुआ है, इससे हम नजरें नहीं फेर सकते हैं। देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बॉलीवुड अक्सर चीजों को हल्का कर देता है। मसलन आपने देखा होगा, कॉमेडियन दिखाना हो तो साउथ इंडियन को दिखा दो। पड़ोसन में महमूद आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आता था, उसमें भी
एक कॉमेडियन को दिखाना था, तो एक साउथ इंडियन का कैरेक्टर था जो बार बार आई आई ओ बोलता रहता था। तो बॉलीवुड इस तरह की हरकतें करता है, सिखों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है उसमें, आपने कई बार देखा होगा। और यह ना भूलें 90 के दशक में ऐसी ढेरों फिल्में आई थी जहां कॉमेडियन को या खलनायक को लालू प्रसाद यादव पर एक तरह से गढ़ा गया था। तो ये तमाम चीजें आप क्यों नहीं कहते हैं बताइए? ये तमाम चीजें भी होती रही हैं बॉलीवुड में, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मगर बॉलीवुड क्या करता है, वो आसान रास्ता ढूंढता है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारे स्कूल्स में, खासकर उत्तर प्रदेश या दिल्ली के स्कूल में, जब भी हमारे क्लास में कोई तमिल या कोई केरल से आया हुआ कोई छात्र होता था, क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता था क्लास के अंदर? बताइए, क्या उसके बोलने के अंदाज पर लोग मजाक नहीं उड़ाते थे? यह हकीकत है ना। यही तमाम चीजें आप फिल्मों पर भी देखते हैं, जो गलत है, नहीं होनी चाहिए, मगर यह समाज इस तरह से रहा है। इसलिए आज ये मत बोलिए कि हिंदुओं का अपमान होता है बॉलीवुड के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकतर लोग जो फिल्में बना रहे हैं बॉलीवुड में वो हिंदू ही हैं, कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। अगर अपमान हो रहा है तो सबका अपमान हो रहा है, मुसलमानों का भी अपमान होता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी। तमाम जो कोठों के दलाल हों या फिर अंडरवर्ल्ड के डॉन हों, वो तमाम लोग किस धर्म के हैं मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अपमान सबका होता है। बॉयकॉट बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड को निशाना साधने के पीछे का मकसद यही है कि देश के अंदर जो धर्म निरपेक्षता है उसे खत्म किया जाए, जिसका पाठ अक्सर बॉलीवुड पढ़ाता है। नंबर दो, फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ नफरती फिल्में बने, वो फिल्में बने जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। नंबर तीन, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में ना बने जो कि सामाजिक भाईचारा और सांप्रदायिक भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं। ये तमाम चीजें बॉलीवुड से खत्म हो जाएं। बॉलीवुड में परिवारवाद है, नो डाउट, मगर कम से कम हमारे राजनेताओं को यह कहने का अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि बॉलीवुड के अंदर बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने में बहुत मुश्किलों का सामना पेश करना पड़ता है, यकीनन। मगर अब आपके सामने कई मिसालें हैं, मनोज बाजपेयी जैसी मिसालें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कमाल कर रहे हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप निगाह डालें तो तमाम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग फिल्मी परिवारों से नहीं हैं। ऐसी ढेरों मिसालें, छोटे छोटे एक्टर्स अगर आप देखें ना, जो बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, सुपर स्टार्स नहीं है, आज की तारीख में उनकी लोकप्रियता का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो प्रचार चलाया जाता है बॉलीवुड के बारे में वो आंशिक सत्य है और उसके अलावा कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र अगर इस बात को लेकर इतरा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने सब लोग जो हैं वो डर गए, झुक गए, तो ये कोई बहुत बड़ी और अच्छी बात नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, वो मुख्यमंत्री हैं, कोई बाहुबली या दबंग नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।